वेल दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई हो बच्चे होंगे। सो आज का OBS नंबर 5 होता है ये वीडियो। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि जो मैं OBS में अपने मोबाइल को एज ए कैमरा यूज किया हूं, तो यहाँ पे मैं एज अ ग्रीन बैकग्राउंड में यूज कर रहा था, ठीक है। तो उस ग्रीन बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करते हैं, मतलब कि इस वीडियो में सिखाने वाला हूं कि ग्रीन बैकग्राउंड को आप OBS के जरिए कैसे हटाते हो और उसका बेनिफिट कैसे उठाते हो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आप एक एप्लीकेशन जो कि है OBS डोएड कैम OBS, उसे आप इंस्टॉल कर लोगे, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आपने भी इंस्टॉल कर ही लिया होगा अगर पिछला वीडियो आप फॉलो कर रहे हो तो। और दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे मेरा ये वीडियो भी चल रहा है क्योंकि ये एक्टिव है। एक्टिव कैसे करना है मैंने पिछले वीडियो में सिखाया, तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर वॉच करना, डिस्क्रिप्शन दे रखा हूँ लिंक, ओके। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, OBS को ओपन करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये वीडियो आप देखोगे कि जो मेरा फोन में रिकॉर्ड हो रहा है मेरे भाई, वो हमारे लैपटॉप में भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। मतलब लैपटॉप में दिख रहा है, अब दिख रहा है तो रिकॉर्ड भी होगा अगर हम चाहेंगे तो। सो कैसे ये रिकॉर्ड होगा ये बताना चाहेंगे, ठीक है। सो मेरा ये लैपटॉप का थोड़ा स्क्रीन आ जा रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसे साइड में करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रखा था पिछले बार साइड में, ठीक है, रखता हूँ, चलो मैंने रख दिया। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियर व्यू दिख रहा है, ठीक है, मेरा चेहरा भी दिख रहा है आपको, हमारा जो फोन में रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो वो भी दिख रहा है, और स्क्रीन पे भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। अब काम करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं ग्रीन बैकग्राउंड यूज कर रहा हूं इसमें, तो अब इस ग्रीन बैकग्राउंड को मैं हटाना चाहता हूं। तो सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड डिसाइड करना होगा, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड डिसाइड नहीं करोगे तो पर भी हट जाएगा कोई। तो यहाँ पे ये ड्रॉइड कैम करके आ चुका है हमारे पास जो ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है ना, ड्रॉइड कैम पे क्लिक करेंगे, फिल्टर का ऑप्शन है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे। बहुत ही क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज कंप्लीट वॉच कीजिएगा और समझिएगा। जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो नीचे में आपको यहाँ पे एक प्लस का आइकन मिलता है, और इस वाले प्लस पे आपको क्लिक करना होता है अपने बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। सो फटाफट क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, एक मिनट जी हट गया, चलो कोई नहीं। एक बार फिर से प्लस पे क्लिक करते हैं, और सेकेंड पॉइंट पे, सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे क्रोमा की करके एक ऑप्शन आता है, ठीक है, क्रोमा की, उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ओके करना होगा, यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, और ऑटोमेटिक यहाँ पे देखोगे कि हमारा ये बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है यहाँ से, ग्रीन बैकग्राउंड, ठीक है। और यहाँ से अगर आप चाहो तो कुछ भी यहाँ से और भी, जैसे कि ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, लाइटनिंग ला सकते हो, जो भी चाहो वो कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से आप ब्लू कलर को भी हटा सकते हो, और इसके अलावा जो यहाँ पे कलर दिए गए हैं वो हटा सकते हो। फिलहाल मैंने ब्रिक ग्रीन यूज किया है, और यहां से कैंसिल कर दोगे। अब देखो हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल भी रिमूव हो चुका है OBS में। अब बताओ मेरे मोबाइल पे आप ग्रीन स्क्रीन दिख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ब्लैक दिख रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल? तो ये हमने क्या किया, क्रोमा की के जरिए हम अपने इस बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया, कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और सिखा रहा हूं दोस्तों, कि अब यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ से एक इमेज ऐड करना है। इमेज में चाहे जो भी आपको ऐड करना है कर लो, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, ब्राउज करता हूँ। ब्राउज करने के बाद दोस्तों आपको एक इमेज कहीं से उठा लेना है, तो मैं डाउनलोड से उठा लेता हूँ कोई भी इमेज अच्छा सा देख के। तो ये थंबनेल है तो मैं इसे नहीं उठाऊंगा, ये इमेज उठा लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, मैं बस दिखाने के लिए उठा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं उसका। ओके करता हूँ, और मैं इसको राइट क्लिक करके, याद रखिएगा जो पॉइंट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, और उसे फिट टू स्क्रीन करना है ताकि स्क्रीन में ये फिट हो जाए। अब मैं इससे ऊपर करना चाहता हूँ, डोएड कैम को ऊपर कर दो, और ऐसे हो जाएगा, है ना, एक बार फिट टू स्क्रीन नहीं हो पाया, चलो हो गया। अब देखो मैंने एक इमेज यूज किया है यहाँ पे, और हमारा डोएड कैम है, और पूरा का पूरा उस इमेज के ऊपर मैं पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम कर रहा हूं, मतलब कि मेरा ग्रीन बैकग्राउंड गायब हो गया मेरे भाई। अब यहाँ पे चाहे कोई भी वीडियो लगा लो, कोई भी इमेज लगा लो, कुछ भी लगा लो, गाड़ी चलता हुआ बोलते रहो, मतलब कि यार दोस्तों ये करो वो करो, लंद करो फंद करो, चाहे जो चाहो वो करो, तो जैसे आप चाहो वैसे यूज कर सकते हो इसका। अब दोस्तों मान लो इस वाले वीडियो को रिकॉर्ड करना है, जैसे डोएड कैम पे तो ऐसे कर लिए, लेकिन अब ये वीडियो रिकॉर्ड कैसे होगा सर ये बताओ। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में और उससे पहले वाले वीडियो में मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करने सिखाया है, मतलब कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग करने सिखाया है। तो यहां से आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग करोगे, और ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है OBS के जरिए।
सो जो भी यहाँ पे स्क्रीन पे चलेगा दोस्तों, इस स्क्रीन पे जो भी चलेगा वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होगा, ठीक है, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और ये अभी तक रिकॉर्ड हो गया। अब मैं इसमें जाता हूँ फाइल में अपना, एक मिनट फाइल में जाता हूँ और मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एक मिनट, यहाँ पे जाता हूँ और हमारा फाइल कहाँ पे है, OBS रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे रखा है। सो मैं दिखा दूंगा, मैंने वीडियो में सिखाया है। अब मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ इसको, देखो मेरे स्क्रीन पे वॉइस, इसको हटाना होगा, वॉइस के साथ में रिकॉर्ड हो गया होगा, पर कोई नहीं, सुन लो आप। देख लो कितना अच्छा सा वीडियो रिकॉर्ड हो गया, बताओ, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो गया आपका, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो गया, बिल्कुल कमाल का, मतलब कि एक होता ना है कि मस्त वाला रिकॉर्डिंग हो गया OBS के जरिए, इतना मस्त रिकॉर्डिंग हो गया भाई, अब क्या चाहिए बताओ मुझे, मैं आपको इतना कुछ सिखा डाला। देखो मैं सबसे पहले हमने क्या सिखाया कि आपको अपने कैमरा को, फोन को कैमरा कैसे बनाना है, कैमरा बनाने के बाद उसे लैपटॉप में कैसे लाना है, लैपटॉप लाने के बाद फिर उसका रिकॉर्डिंग कैसे करना है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इस फीचर का यूज कर सकते हो जो कि काफी कमाल का है ना, बहुत ही इजी भी है कहीं ना कहीं दोस्तों। अब मैं आने वाले वीडियोज में इसमें स्क्रॉल कराने वाला हूँ, स्क्रॉल होगा, इसके बाद मैं इसको लाइव लेकर जाने वाला हूँ यूट्यूब पे डायरेक्ट, तो वो कैसे करूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि YouTube पे लाइव कैसे करते हैं OBS, उसके बाद फिर पहले तो OBS लाइव कैसे करते हैं ये बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं सिखाऊंगा कि लाइव करने के लिए ये कैमरा वगैरह कैसे यूज करेंगे, है ना, उसके बाद फिर उसमें बहुत सारा टेक्स्ट वगैरह स्क्रॉल करते हैं वो सब कुछ सिखाऊंगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और दोस्तों YouTube पे आप वीडियो जहां भी देख रहे हो, मैं यहां पे आपको सर्च मार के दिखाता हूं, YouTube पे जहां भी देख रहे हो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखे हैं, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, पूरा वीडियो मिलेगा, एक एक करके वीडियो देख रहे होंगे परेशान हो जाइएगा। यहाँ पे आपको सर्च मारना है A1 टेक्निकल सॉल्यूशन, यहाँ पे मारता हूँ A1 टेक्निकल सॉल्यूशन, एक मिनट जी, टेक्निकल सॉल्यूशन, उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाने हैं हमारे चैनल पे। चैनल पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट पे चले जाने हैं, ठीक है, और प्लेलिस्ट किट पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फुल OBS ट्यूटोरियल ये वाला चल रहा है अभी, जो कि रिसेंट वीडियो है, ठीक है, और इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, ये OBS कंप्लीट ट्यूटोरियल है, इससे भी आप वॉच कर सकते, इसमें भी आपको कमाल की वीडियो मिल जाएंगे। सो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं, अपना ख्याल रखें, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, एंड हाँ नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करके मोटिवेट बढ़ाए हमारा, थैंक यू सो मच।